सबने जाके अप्रिशिएट किया और जिसके मुंह पे जो तमाचा मारना चाहिए था मार और दिया। अब वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि दोनों सो रहे हैं, कल के वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, आज यू कैन सी 8 बजे हैं, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकले हैं क्योंकि वी आर प्लानिंग टू गो अर्ली फ्रॉम टुडे। तो अभी सब थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर निकल जाएंगे। ओके, आपसे मिलते हैं दी ऑटो। ये है जैसिका का चैनल, सब्सक्राइब कर लो। सुध बुध खो के कोई ना कहा। कितना पॉल्यूशन बढ़ गया, इट्स टू मच, वी कैन सी इन द एयर। सो लीजिए गाइस, स्टोर पे पहुंच चुके हैं और आते ही हमें पता चला कि स्टोर में तो तबाही है क्योंकि कल बच्चे थे, कल बहुत सारे क्लाइंट्स थे। एज यू कैन सी चीज़ें गिरी पड़ी हैं, ये देखिए सब टेढ़ी मेढ़ी है। अब ये देखिए और ये देखिए कितना मैसअप है। मुझे स्टोर के अंदर थोड़ा सा भी कुछ अप एंड डाउन होता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो काम तो करना पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्वाइट मेसअप एंड आई रियली डोंट लाइक कि कुछ भी मेरे यहाँ की चीज़ यहाँ से वहाँ पड़ी हो। ये देखिए क्या करूँ, मतलब क्या करूँ, इतना मेसअप है, मतलब इतना भी नहीं है पर मुझे बहुत लग रहा है। मुझे जब तक एकदम चीज़ नीट एंड क्लीन ना हो तब तक हज़म नहीं होता क्योंकि आई नीड एवरीथिंग ऑन द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो थी। मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं रहे। क्लाइंट भी कुछ अप एंड डाउन करते हैं तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ जहाँ पर हो वहीं रहे। अभी बहुत सारी चीज़ें गलत रखी हुई हैं और आपका स्टोर से तभी अच्छा लगेगा जब आपने उसको एकदम सिस्टमैटिक रखा हुआ है, एकदम सब चीज़ें उसकी जगह पे रखी है, तभी वो चीज़ अच्छी लगती है। क्या पता नहीं किस महापुरुष का काम है। चलिए काम कर लेते हैं क्योंकि चाय तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बन सकती है क्योंकि काम बहुत है। अभी नहीं क्या हुआ देखिए, खा भाई बंद हो जा। चलो यार ऑफ करके ऑन किया जाए। कोई सेंस है, कोई मतलब है, ऐसे कैसे चल रहा। चलो बाहर देखते हैं और टफी क्या कर रहा। टफी सुबह सुबह लगाया लगता है किसी को, बहुत नौक रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे स्कूटर है ना उसके पीछे वहाँ खड़ा है टफी। खाना दूंगी और हम इतनी जल्दी आए हैं, कोई भी अभी तक ओपन नहीं है, सब बंद है, बैंक भी ओपन नहीं हुआ अभी तक। तो कुछ सोचेगा हम इतनी जल्दी आए क्यों। तो इतनी जल्दी इसलिए आए क्योंकि नाउ वी आर थिंकिंग कि सुबह सुबह के क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो हम मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट हमें बोलते हैं कि प्लीज़ यार थोड़ा जल्दी खोल दिया करो। हम बेचारे, हम बहुत दूर रहते हैं ना, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। चलिए गाइस मैं ये सब उठा लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा भी। मैं जाती हूँ, काम वाम करती हूँ पूरा, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, लव यू ऑल, बाय। और काफ़ी फिल्में हिट हो रही हैं, काफ़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जिसमें से एक फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई
और नाम था क्या था उसका, नाम काठियावाड़ी था चमेली भाई, नहीं क्या पता नहीं, आई डोंट नो इवन द नेम, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी, पता नहीं, हाँ काठियावाड़ी मुझे बढ़िया बस है। अरे काठियावाड़ी याद है, बाकी नाम याद नहीं है गाइस। सो वही जो हमारी मैंने सुना है हीरोइन कि फ्लॉप हो गई है बहुत बुरी तरह, तो जबकि कितना तगड़ा प्रमोशन हुआ। को नहीं प्रमोशन हुआ, वो हिट हो गई। पूछो हाँ कौन सी, कौन सी, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर यस यस ऑफ फाइल्स। कोर्स ऑफ कोर्स। एंड गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, बट जो चीज़ें दिल से बनाई जाती हैं, बहुत मुश्किल से बनाई जाती हैं, वो अपने अच्छे अंजाम तक जाती हैं। इसका जीवंत उदाहरण आपको देखने के लिए ऑलरेडी मिल रहा है, कश्मीर फाइल्स। मेकर्स के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, और देखा जाए तो प्रमोशन के लिए भी ज़्यादा स्कोप नहीं थे, बस एक चीज़ थी, वो थी लगन जज्बा। और जज्बा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आपके अंदर जज्बा है, आप कुछ अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो मतलब जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो भी आपका पूरा पूरा साथ देती हैं, और आप उस आपको उसमें पूरी सफलता मिलती है ना। कश्मीर और ने कितना फेस वही किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये सारे उन जो हुआ उनके साथ क्राइम, और जो लोग इस दुनिया से चले गए इस चक्कर के अंदर ही, वो सब मिलके जिता दिए भैया, हो गई फिल्म, मोर ओवर आगे बढ़ गई। लोग कितनी पॉलिटिक्स खेलते हैं दूसरे के, दूसरे की मजबूरी पे, दूसरे के दर्द पे लोग पॉलिटिक्स खेलना नहीं भूलते हैं। इट्स वेरी सैड एंड वेरी यू नो अनफॉर्चुनेट। जब कश्मीर के ये इंसिडेंट्स हुए थे उस टाइम भी इस पे बहुत पॉलिटिक्स हुई, और आज तक हो रही है। और इसके अलावा सेम फिल्म के ऊपर भी आप लीजिए। अब फिल्म के ऊपर आपने सुना ही होगा, रूमर्स काफ़ी फैलाए जा रहे हैं कि फिल्म जो है सच्चाई से हटके है, और इसमें जो तथ्य हैं वो एकदम क्लियर नहीं है। सो विच इज़ वेरी सैड अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, की मतलब जो भी अच्छी चीज़ होती है उसको शक की नज़र से देखते हैं, और उसको हाँ अभी, अरे आपने शायद ये न्यूज़ सुनी भी होगी, अभी रिसेंटली भी दोबारा से नई पॉलिटिक्स चालू हो गई। वो है पीवीआर सिनेमा के अंदर फिल्म दिखाई जाती है, और उसके अंदर अचानक से फिल्म को म्यूट कर दिया जाता है। पर आई थिंक वो पार्ट है, कुछ पार्ट्स पे वो कर रहे नहीं हैं। नहीं पार्ट कोई ऐसा नहीं, हो, पूरा पूरा फिल्म को म्यूट नहीं कर सकते ना, वो कहीं कुछ तुमने आता सुना होगा। है कि फिल्म को म्यूट किया है, पार्ट्स को म्यूट किया है? नहीं, उन्होंने कहा है वो म्यूट किया, म्यूट कर रहे हाँ हैं, बट मैंने ये नहीं सुना कि किसको कर रहे हैं, लेकिन हाँ आई हर्ड लिटिल बिट। तो फिल्म को म्यूट कर दिया गया, इट्स वेरी सैड। और ये हुआ कहाँ पे अब है, देखिए, अगर कोई चीज़ सेंसर भिवंडी से पास होके आती में हुआ, है भिवंडी ना, में। हाँ बॉम्बे, बॉम्बे के पास एक भिवंडी एरिया है, वहाँ के पीवीआर में सब इंसिडेंट्स हुए हैं, बाकी जगह मुझे नहीं पता है, सो आई विल नॉट गिव यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बट इट इज़ वेरी सैड। और देखिए, अगर आप तथ्य दिखा नहीं सकते तो तथ्य को मोड़ तरोड़ के पेश करना ये बहुत गलत बात है। और अगर कोई फिल्म चल रही है और उसको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजह रह जाती है कि उसको म्यूट किया जाए, या फिर हाँ अगर कुछ ऐसा था तो पहले से ही मतलब ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था। सी वी आर ऑल्सो फ्रॉम मीडिया है ना, हमें भी पता है, एक बार सेंसर मिल गया ना तो फिर कोई दूसरा क्वेश्चन आता ही नहीं। अगर सेंसर ने पास किया देन हु, लाइक कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ऐसे कैसे म्यूट कर सकते हो, नो वन हैव नहीं, अब राइट। पीवीआर सिनेमा में बैठ के कौन फिल्म को म्यूट करवा रहा है, ये तो एक बड़ा सवाल है। मतलब ये तो एक चीज़ तो क्लियर है ना कि भाई सेंसर बोर्ड ने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उठाया होता तो शायद सिनेमा हॉल में ही नहीं होती फिल्म। उसके बाद भी अगर ऐसी हरकत हो रही है तो कौन करा रहा है, हु इज़ डूइंग दैट इंटेंशली। मतलब एक अच्छा सब्जेक्ट अगर आता है जो कि एक्चुअल सिनेमा है, जो कि हम सालों पहले ही असली सिनेमा को तो छोड़ ही चुके हैं, जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी कचरा है, देखने पे मजबूर है, तो जब अच्छा सिनेमा आता है तो उसके साथ ये किया जाता है, इट्स वेरी बैड। लोग क्या करते हैं ना, लोग चीज़ों को दबाते हैं, मैं कहाँ से मच्छर आ गया बीच में, ये देखो मार दिया मैंने, हाँ देखो बच्चे मैंने मार दिया। तो लोग क्या करते हैं ना, कोई चीज़ उबरती है, कोई कोई चीज़ अच्छी होती है, उसको दबा देते हैं अपनी चीज़ ऊपर लाने के लिए भैया, विच इज़ रियली बैड। मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी बनी है तो उसको प्रमोट कीजिए ना। अभी जैसे कपिल शर्मा के इसमें बोला कि हमारी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे वो कपिल शर्मा में कैसा होता है, कोई भी फिल्म आती है तो उसको प्रमोशन के लिए लेके आते ना वो लोग, पर इनको नहीं लाने दिया, इनको मना कर दिया, नहीं जी आपको नहीं लाएंगे, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। तो ये सब नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स ना कुछ चीज़ों को हटा के करनी चाहिए।
और कला के क्षेत्र में तो पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। और अब देखिए, आप एक चीज़ और देखिए, जिस जिसने पॉलिटिक्स को लेकर मुंह खोला है अपना, उसी का पर्दाफाश हो गया है। और हम लोग नाम नहीं लेंगे क्योंकि देखने वाले बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो वो अपने आप समझ जाएँ। क्योंकि अगेन हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग को ये चीज़ बोलना चाहते हैं, हम नहीं बोलते यार, कौन फंसेगा। हाँ, नहीं, हम लोग बोलते हैं, आप लोग ही, जो आप लोग हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं समटाइम, वो ही उस चीज़ को समटाइम अगेंस्ट ले जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग चुप रहे, इन टॉपिक्स पे ना बोलें, है ना। बट सी, इफ यू आर ऑन लाइक सोशल ना, मुंह खोलना तो पूरी तरह खोलो, डरने का किससे भाई। हाँ, टिल नाउ डेट, टिल नाउ इस होल कन्वर्सेशन के दौरान हमने किसी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ हमने पॉइंट आउट नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ रेफरेंस में बात की है। लेकिन हम कपिल भाई का तो बोलेंगे, भाई क्यों नहीं तुमने प्रमोट किया? अभी तुमसे ट्विटर पे पूछा गया कि भैया क्या तुम लाओगे अभी इनको प्रमोशन के लिए, उन्होंने तो पहले बोला कि नहीं। हाई, तो आप जो सुन रहे हो ना, जो समझ रहे हो, ये सब गलत है, हमारे पास ऐसा कोई अप्रोच के लिए आए नहीं है लोग। अगर नहीं आए तो उन्होंने वापस किसी, उनके किसी बंदे ने पूछ दिया, जो एक आम पब्लिक ने पूछ लिया, भाई अच्छा एक बात बताओ, नहीं नहीं लाए कोई बात नहीं, क्या अब लाओगे? तुम कह रहे हो तुमने मना नहीं किया, अब लाओगे, अब हाँ करोगे? उसके बाद कोई ट्वीट ही नहीं, क्यों भाई कपिल भाई क्यों नहीं कर रहे, तो आंसर दो। बिल्कुल करना चाहिए, और अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आए, लेकिन उनको सराहना करनी चाहिए। सो प्रमोट करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम लोग ये नहीं बोलते कि आप प्रमोट करो। सो अगेन, अगर आप किसी को सहारा नहीं दे सकते, अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम लैग पोलिंग तो ना करें, टांग तो ना खींचें। अगर कोई फिल्म बना रहा है इतने सेंसिटिव टॉपिक पे, तो उसके बारे में कोई भी उलझल बातें नहीं करनी चाहिए। प्रमोट मत करो, चलो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन दूसरों का मोरल भी डाउन नहीं करना चाहिए, डीमोरलाइज भी नहीं करना चाहिए। और किसका यार, जो ऐसी चीज बनाता है ना, पहले से प्रिपेयर रहता है कि ऐसा तो होने वाला है। और बनाया किसके लिए है, मतलब हमारे देश की एक एक टॉपिक को उठाया है, मतलब एक टॉपिक को उठाया है। हर इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी कहानियां हैं, है ना, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसके ऊपर फिल्म बनाने की ना तो किसी ने आज तक डेयरिंग दिखाई, और लोगों ने मतलब इस मुद्दे को उठाना ही नागवारा समझा। हाँ, मतलब उनको लगा कि इस पे तो बात करना ही बेकार है। तो अगर किसी ने डेयरिंग दिखा के इस टॉपिक पे फिल्म बनाई है और कुछ अगर करने की कोशिश की है, सो व्हाट्स रॉन्ग। नहीं, क्यों भाई तुम मैरी कॉम पे, इन सब पे तो बना सकते हो, है ना, एथलेट्स पे बना सकते हो, सब पे कर सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करते हो, जो अच्छी चीज़ें उसको प्रमोट कर सकते हो, जो घटना घटी हो उसके उसके ऊपर क्यों नहीं। अच्छा, जब भी ना कुछ ऐसा बनाएगा ना, कोई कोई जीत गया, जैसे कौन आए थे अपने जो भी एक्सपायर हो गए, मिल्खा सिंह, उन पे फिल्म बनी, सबने अप्रिशिएट किया, अरे इस चीज़ को भी तो सराहना मिलनी चाहिए ना, कि भाई ऐसा हुआ और उस चीज़ को किसी ने फिल्मी रूप से दिखाने की कोशिश की, उसका वो नज़रिया दिखाया, तो उसमें मतलब उसको बैड प्रमोशन की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी साँच को क्या आज, लेकिन अभी वही है कि अब जो चीज़ चल रही है वो तो सब देख रहे हैं, सबने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, लोग रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। और अच्छा ही अच्छा क्यों दिखाएं, अच्छा अच्छा क्यों दिखाएं, बुरा भी तो दिखा। जो बुराई, जो हमारे समाज में बुराई है वो भी तो दिखानी चाहिए ना, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। तो मतलब इसमें पॉलिटिक्स का है, मुझे तो समझ नहीं आता। खैर, हम लोग तो इतना गहराई में नहीं जाते हैं, बट दुनिया में जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, आपने तो कभी डिफरेंस है। आपने कभी एक चीज नोट की, मैं पहले बचपन से ये चीज देखती थी, अभी भी मैं बच्ची हूँ, लेकिन मैं बचपन से एक चीज देखती थी कि ना अंग्रेज इंडिया में आते हैं और ना बड़ी गंदी गंदी जगह को, नाली को, कस्बों को, इन सबको शूट करा करते हैं। मैं सोचती थी, मैंने कहा करते क्या है वो, मुझे बाद में पता चला कि चलो वो भी यूट्यूबर थे और वो ये सब चीजें इसके लिए करते हैं। लेकिन क्यों वो गंदगी दिखाते थे, क्यों, मतलब वो चाहे तो वो भी अच्छा अच्छा दिखाएं, क्या भारत इतना गंदा है? नहीं ना, फिर ये चीज हम भी कर रहे हैं। अब इसके इस चीज को हम अच्छे पहलू में भी ले सकते हैं कि भाई देखो, अगर वो ऐसा करेंगे तो हमें तो शायद थोड़ी शर्म आ जाए, है ना भाई, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की छवि जो है पूरी दुनिया में ऐसी ना बने, तो शायद लोगों में सुधार आ जाए। हाँ। और अपने अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली चीज लेके आए, और जो खामियां दिखाई जा रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करके उनको सुधारा जाए। सो ये भी एक अच्छी चीज है। लेट मी कंप्लीट। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कहते हैं कि गंगा जो माता है
वो इतनी गंदी रहती थी हद से ज्यादा। फिर चलो कुछ चुनिंदा लोग आए, मैं नहीं नाम लेने, मैं ना कोई मैं पक्षपात नहीं करूंगी, ना मैं इस पार्टी की ना मैं उस पार्टी की, मैं तो सेंटर में हूँ भैया, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा, जो बुरा तो उसके साथ बुरा। तो अब तक हमने देखा ना गंगा साफ हुई, ना तीर्थ क्लीन हुए, ना कुछ हुआ। तो सडनली कोई आता है और इस चीज को इनिशिएट करके वो बंदा सब साफ भी कर देता है, सफाई हो जाती है ना। तो उससे पहले जब अंग्रेज इंडिया में आते हैं या बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, वो क्या दिखाते हैं? गंदगी। अरे अब जब गंदगी है ही नहीं तो दिखाएंगे तो क्या, दिखाएंगे क्या, समझे? अब दिखा लो जितनी गंदगी दिखा। अब मेरे कहने का इसमें आप कनेक्शन दीजिए, ये जो कश्मीरी फिल्म जो बनी है इसके ऊपर आप दूसरा कनेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। भाई ऐसा हुआ था, हुआ था ना, ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं, पे क्यों दिखा रहे हैं? ये काल्पनिक नहीं है, एटलीस्ट था तो ही तो दिखाया ना, चलो सच्चाई से क्यों मुंह फेरना। हाँ अब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे हमें ना सीख लेनी चाहिए। हाँ, तो इसे ये चीज को कभी बचना भी नहीं चाहिए। हाँ, कभी भी किसी सच्चाई से बचना नहीं चाहिए। तो अपने इंडियंस के ना भैया 100 out of 100 देती हूँ अपने इंडियंस को, सबने जाके अप्रिशिएट किया और जिसके मुंह पे जो तमाचा मारना चाहिए था मार दिया। आप देखिए, आप देखिए किसने जिसने पैर खींचने, जिसने लेग पुलिंग करनी है करते रहो, लेकिन एट द एंड देखने वाले कौन होते हैं? हम और आप, हम और आप मतलब जनता, आम जनता। हमारे जो व्लॉग्स देख रहे हैं वो भी आप ही सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है? आप हैं तो इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोगों के लिए बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोगों ने कुछ देखा कि हाँ, हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई, हमने व्लॉगिंग की और आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों से सराहना मिली और डे बाय डे हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट प्रूव्स कि हाँ, जो हम बना रहे हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं, वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो ये चीजें साबित करती हैं। तो उसी तरह अगर कोई चीज बनी, पब्लिक को पसंद आई, आप देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत लोग रो रहे हैं और उनके जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे मतलब उनकी इतनी सराहना कर रहे हैं और इतने इमोशनल होकर बात कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। कोई ऐसा तभी करता है जब वो दिल से कनेक्शन जोड़ पाता है, ठीक है? अगर ये डायरेक्टर ऐसा करने में सक्षम रहे और इन्होंने ऐसा किया तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। हमें सराहना करनी चाहिए, हमें दूसरों की तारीफ करना आना चाहिए, ये हम लोग भूल गए। मैं तो एक चीज बोलूं, 100 बात की 1 बात जो हम लोगों से बन पड़ता सुशांत के जाने के बाद, हम सबने मिलके किया, आपने किया, हमने किया, जिसको जो जिसके लिए जो करना था कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने फाइनली क्या करना है, अब हमें उन लोगों को सपोर्ट करना है और उन छोटे लोगों को आगे लेके आना है जो कुचले गए हैं, जिनकी पूछ नहीं है। आपको क्या लगता है अनुपम खेर क्या छोटे स्टार हैं? नहीं ना, बहुत बड़े स्टार हैं। और आज के टाइम पे, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है जो नए नए लोग आ रहे हैं, क्या ये क्या है, मतलब दे नो एक्टिंग एंड ऑल? नो, आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं एज आ एक जनता की तरह बात करूँ, आई डोंट थिंक सो। और एक्टिंग का लेवल किन में है वो यही लोग हैं, अनुपम जी मतलब और बिग शॉट्स। देखो मतलब हम लोग ये मेहनत करके आए हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई इनको अगर हेरिडिटी से या फिर इनको अगर मतलब अपने परिवार के थ्रू ये इंडस्ट्री मिली है तो इनको आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। डेफिनेटली बढ़े और शायद कई बार अच्छा काम भी करते हैं इसका, लेकिन हाँ, लेकिन कहीं पर भी इसका ये मतलब नहीं होता कि जो लोग आउट ऑफ द इंडस्ट्री आते हैं, जो आउट ऑफ द फील्ड आते हैं, उनको आप उनको लात मारो, निकालो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं गलत है। मतलब आपको आने से पहले कोई नहीं रोक रहा और कोई रोक भी नहीं सकता। भाई आप लोग तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं, आपका परिवार इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, है ना? हम लोग वो बोली नहीं, और आप अच्छा काम भी कर रहे हो, उस चीज की हम तारीफ भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या मतलब सिर्फ खाने का हक, जीने का हक इन्हीं लोगों को है? जो बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं है? शाहरुख खान जब आए थे सबने सपोर्ट किया ना, आज शाहरुख खान कहाँ पे सब जानते हैं, ठीक है? और वहीं फिल्मी बैकग्राउंड से सलमान खान आए, सबने सपोर्ट किया ना, तो जब तब ऊंच नीच जात पात देख के या छोटा बड़ा देख के नहीं किया जाता था किसी को फिल्म में कास्ट, तो अभी क्यों करते हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे इन लोगों ने अपना ना एक टीम बना लिया कि नहीं, ये हम हैं और ये हम ही हम रहेंगे, वो गलत है। इसके लिए हम लोग सब कहते ना, देखो जो होना होता है ना टाइम पे हो जाता है। टाइम पे क्या हुआ, एक बंदा गया अपने पीछे लाइन लगा के चला गया, सबने सपोर्ट किया उस आदमी को, मैं नाम नहीं ले रही बार बार, सबने सपोर्ट किया। आज इतना सपोर्ट किया कि कुछ लोगों की फिल्में करोड़ों अरबों लगा के नहीं चलती, यहाँ पे कुछ की कुछ
लाखों लगा के चल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये सारा एप्रिसिएशन, सारी चीजें जाती है आप लोगों को, आप जो लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं आज, हमने शुरू किया है जस्ट इसलिए कि हमारे अंदर ही बातें थी और हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, हमने ये चीज पहुंचाई। ये आज एक सिंगल टॉपिक है जिसपे हम बोले हैं, पर हम जब बोलते हैं ना हम बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत क्लियर बोलते हैं, इतना क्लियर कि सुनने वाले को कड़वा भी लगेगा और सुनने वाले को अच्छा भी। अब ये देखना है कि आप अच्छी कैटेगरी में जाते हैं या बुरी कैटेगरी में। देखो जो सच के पक्षधर हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा डेफिनेटली, और जिसको बुरा लगना है तो उसे ये वो अपना जाहिर करेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। मैंने ना एक बहुत पुराने अपने दादी से सुना था कि जब कलयुग आएगा ना तो कलयुग के अंदर जो पैरामीटर है उसमें पैरामीटर के अंदर 80-90% करप्ट लोग होंगे, और जो पूरी दुनिया टिकी होगी ना सिर्फ 8-10% लोगों के ऊपर टिकी होगी। तो अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है सुधर जाने के लिए, कुछ नहीं किसी का जाएगा। अच्छा रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे ना तो खुद के लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे स्टिल सपोर्ट करेंगे कश्मीर, कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स को हम लोग अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि हम किसी को डीमोटिवेट कर रहे हों या मतलब अपनी तरफ से डिसलाइक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसे कर रहे हैं वो तो अपनी, भाई देखो अब फिल्म बनाई नहीं अच्छी लगी तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, पर जिनको अच्छी लगी वो फिलहाल है कश्मीर वाली फिल्म, और आप जाके मस्त देखिए, बहुत अच्छी फिल्म तो है। थोड़े बहुत रैशेस देखे हैं लेकिन मुझे हमने तो बहुत खुद अच्छा जाना है। हम लोग क्यों वेट कर रहे थे, हमारा वैक्सीनेशन नहीं होता, वैक्सीनेशन हो गया हम लोग मस्त जाएंगे और मस्त वॉच करेंगे, और इसका रिव्यू आपको प्रॉपर देंगे। कि अभी तो हमने सिर्फ सुना है, सुनने पर हम इतना बोले हैं, और जिस दिन इसको रिव्यू करने पर आएंगे तो कितना बोलेंगे आप सोचिए। बट हम लोग रिव्यू करेंगे अपने व्लॉगिंग स्टाइल में ताकि हमारी कंटेंट भी चलती रहे एंड कोई भी कंटिन्यूटी ब्रेकअप ना हो। तो गाइज अभी बातचीत तो हम लोग करते रहेंगे किसी ना किसी मुद्दे पे, ठीक है, क्योंकि मुद्दा आपको डेली दिखाएंगे हम लोग, और आप लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है थ्रू द कमेंट सेक्शन, और आप अपनी राय भी रखिए क्योंकि आपकी राय जो है बहुत ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि इतना सब देखने के बाद कुछ ना कुछ राय तो ज़रूर बनती है हर इंसान की, तो वो रखना भी चाहिए। सो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इसके साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले विदाउट एनी डिले, और बने रहिए हमारे साथ। कीप और हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुतों की पोल खोलेंगे, बहुतों को करेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे वो समझ रहे हो, खोलने लायक होगी तो पोल खोलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सब नहीं खोलने लायक ही होती है, बहुतों की होती है लाइन लगी। आप पोल खोलने पे आओ ना, अरे एक से एक टॉपिक है भाई, किस किस को बोलोगे। बट वाई टू वेस्ट टाइम ऑन सच पीपल, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, वी आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एक्चुअली। बट या बिकॉज मूर्ख लोगों पे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यस हाँ, लेकिन ये हमें टॉपिक आज का अच्छा लगा इसलिए हमने बोला, नहीं हाँ, तो कितनी सब चीजें देख रहे हैं डेली, हम हाँ, कुछ नहीं हम जो बताएंगे इशारों इशारों में बताएंगे, क्योंकि देखने वाले हमसे ज्यादा समझदार हैं, और इसलिए किसी को भी पर्सनलाइज कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग किसी के बारे में पर्सनलाइज हाँ, नहीं बोलेंगे। एक चीज मैं बोलूं आप सबके लिए, अभिनव की साइट के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर, मेरी साइट के लोगों को मैं एक चीज बोलूं, अगर किसी में पावर है सब कुछ बदल देने की तो वह आप में है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों को बायकॉट किया है ना लाइफ में, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, बस उसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहिए, उस चीज़ों कंटिन्यूटी में आनी चाहिए वो चीज़ें, ऐसे नहीं भूल गए बिसर गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ याद रखना है हमको, बस कंटिन्यू करेंगे तो सब सही हो जाएगा। एक दिन आएगा कि हम वैसी ही फिल्में देख पाएंगे जैसे हम देखना चाहते हैं, ना कि वैसी जैसे लोग दिखाना चाहते हैं। ओके गाइज, सो सी यू टुमारो विद न्यू व्लॉग विद न्यू थिंग्स, सब कुछ नया होगा, हम ही पुराने होंगे हम पुराने होंगे। चलिए गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो जो मन में आए वो करना, कमेंट करके बता देना कि क्या बुरा लगा, ताकि हमें भी समझ आए क्या बोला, उसमें सुधार कर सकें, है ना। हर एक की अपनी राय होती है, ये हमारी व्यक्तिगत राय थी, कोई मजबूरी नहीं कि हमारी व्यक्तिगत राय से आप इत्तेफाक रखें। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो मेरे दिल में है, कहीं नहीं जाने दूंगी। और गाइज, न्यू टॉपिक्स, न्यू थिंग्स,
न्यू लाइफ, लक्ज़री लाइफ, लोकल लाइफ सब कुछ लेके आऊँगी इसी चैनल पे। तो देखना ना भूलिए मुझे मुझे मुझे। सो लव यू ऑल, सी यू टुमारो। बाकी जाइए सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, सब लाइन में लगे हुए हैं, इनके भी देख लीजिए। देखिए कहाँ से आ गए बीच में मक्खन खाने के लिए, हाँ इनके भी देख लीजिए। कोई बात नहीं, हम चैरिटी कर देते हैं। मार लूं और थोड़ा व्यूअर्स को बोल, अरे हम वो बिल्ली हैं, कुछ नहीं लेने देंगे तुमको। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ हमारी बिल्ली। सो चलिए गाइस, सी यू टुमारो। अभिनव का भी चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत चटपटा सब कुछ मिलेगा। अभी तो चटपटा नहीं है, अभी तो बम धमाके होने वाले हमारे चैनल्स पे, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स के साथ आएंगे। लव यू ऑल, बाय, थैंक यू। ऐसे करूँ?